हाँ तो ये है E by M हेलिकल। सबसे पहले इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाने का रीज़न इसके अंदर पहले इन बटन से देख लें क्या क्या है इसमें। ये वाई शिफ्ट पे हैं, ये एक्स और वाई है, एक्स ख़राब है इसलिए इसको वाई शिफ्ट पे रखा गया है, ठीक है। ये देखिए नीचे साइन है, ये फोकस एंड ये वाई शिफ्ट, वाई शिफ्ट ये ऊपर वाला एक्सल है। अब सबसे पहले इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, बढ़ाने का रीज़न यहाँ पे ग्रीन डॉट लेके आते हैं, फोकस ये आ गया, ये देखिए बढ़ा रहे हैं इंटेंसिटी को ही बढ़ा रहा है, आता टाइम है हाँ इंटेंसिटी ये वाले को बढ़ा रहा है, ये वाले को इससे वो डॉट आए देखें बढ़ाओ आप। अब फोकस को बढ़ाते हैं, ये फोकस है, फोकस को बढ़ाते हैं जिससे ग्रीन डॉट डार्क गोल बनाएंगे, फोकस करेंगे इसको, हो रहा है हो रहा है, जैसे ये देखो डॉट हो गया, डॉट हो गया, डॉट थोड़ा वापस पीछे दो, फिर वाई शिफ्ट को बढ़ाते हैं जिससे क्या होगा एक लाइन बनेगी और इस लाइन को अपने को 3 सेंटीमीटर लेना है, 2 से 3 सेंटीमीटर बनाना है हमें उस लाइन को। ये आ गया अपने 3 सेंटीमीटर की लाइन। अब वोल्ट को बढ़ाना है, वोल्ट को बढ़ाने से क्या होगा ये लाइन एक डॉट बन जाएगी, बट डॉट लाइन एक डॉट में बदल जाती है, जैसे कि अब ये बढ़ाते हैं इधर, ये देखिए ये और बढ़ाए और ये और ये और ये और ये हो गया, अच्छा लग रहा है ये एक डॉट हो गया, ठीक है। इस डॉट के बाद वोल्ट्स एंड एम्पियर इनकी रीडिंग यहाँ पे नोट करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए ये वोल्टेज है, वोल्टेज की रीडिंग यहाँ नोट करेंगे, लेकिन ये सोलेनोइड है इसकी करंट यहाँ से नोट करके यहाँ लिखा जाता है, ये वन डायरेक्शन की है रिवर्स में। अगर इस डॉट को थोड़ा और शार्प बनाना हो तो ये फाइन का आता है, फाइन घुमाएंगे तो डॉट का और शार्प बन जाता है, इससे ज़्यादा वहाँ शार्प होने को लेकिन यहाँ की रीडिंग में कुछ फ़र्क आता है। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट वापस इसको जीरो करते हैं, इसको जीरो करते हैं, इसको जीरो करते हैं और वोल्ट्स को भी जीरो कर देते हैं, वापस इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं जिससे क्या होगा एक डॉट आएगा, ये आ गया। फिर फोकस को बढ़ाते हैं, फोकस को बढ़ाने से ये आपका फोकस को बढ़ाने से ये एक डॉट के रूप में हो जाएगा, ये हो गया एक डॉट। फिर वाई शिफ्ट को बढ़ाने से एक लाइन बनेगी, इस लाइन को अपने को 3 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है, ये हो गई लाइन। इसके बाद वापस वोल्ट्स को बढ़ाते हैं जिससे ये लाइन है जो एक डॉट के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ये लाइन हो गई एक डॉट के रूप में परिवर्तित। अब जो अपनी रीडिंग आती है वो एम्पियर की एंड वोल्ट्स की यहाँ पे नोट कर लेंगे इसी प्रोसेस को, और इस प्रोसेस को बार बार करते रहेंगे रिवर्स में भी, और रिवर्स में भी इस प्रकार रीडिंग लेनी है, रिवर्स में भी लेनी है, और ये दोनों रीडिंग सेम ही आती है, ये अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट।